Sharing is caring is a common phrase. Sharing is caring simply means looking after others. सिंगल चाइल्ड के इस दौर में बच्चे अक्सर अपनी चीज़ें दूसरे के साथ शेयर करने में चिड़चिड़े हो जाते हैं। कई बार दो बच्चे होने पर भी ये परेशानी होती है, जैसे वे अपने खिलौने, बुक्स आदि किसी के भी साथ शेयर नहीं करना चाहते। कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता अगर किसी दूसरे बच्चे को प्यार करें तो ये भी उनके बच्चे को बुरा लगता है। आप चाहे इसे बचपना समझें, लेकिन असलियत में ये गंभीर स्थिति है। तनिक सोचें, असलियत में ये गंभीर स्थिति है जो बच्चे के संपूर्ण विकास पर नकारात्मक असर डाल सकती है। ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को शेयरिंग की आदत डालें। ये आदत उन्हें न सिर्फ सामाजिक तौर पर अच्छा इंसान बनाएगी, बल्कि इससे उन्हें कई व्यक्तिगत और मानसिक लाभ भी होंगे। बच्चों में शेयरिंग की आदत बचपन से डालें। इसे सिखाने के लिए आप उनके पीछे ना पड़ें, बल्कि उन्हें व्यवहारिक तौर पर ये बताएं कि किसी के साथ अपनी चीज़ें बांटना बहुत ही मज़ेदार है, यानी उन्हें खेल खेल में शेयरिंग की सीख दें। उनमें शेयरिंग को लेकर सकारात्मक दृष्टि विकसित करें। बच्चे को शेयरिंग सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि माता पिता आपस में चीज़ें शेयर करें। हर बच्चे के लिए उसके माता पिता रोल मॉडल होते हैं। आप जैसे संस्कार उन्हें देंगे, वह वैसा ही व्यवहार अपनाएंगे। इसलिए आप उनके सामने उदारपूर्ण व्यवहार करें, जैसे चीज़ें सबके साथ शेयर करें, टीवी में सबकी पसंद के शो लगाएं, घर के कामों में पार्टनर की मदद करें, सामाजिक कार्यों में सहयोग करें, अपने फ्रेंड सर्कल की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें, हमेशा तत्पर रहें। जब बच्चा बचपन में सहयोग और प्यार का माहौल देखेगा तो वो भी उसे ही अपनाएगा। अपनी तारीफ सुनना आखिर किसे पसंद नहीं होता, बच्चों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में जब आपका बच्चा दूसरे के साथ कुछ शेयर करे तो आप उसकी तारीफ ज़रूर करें। ऐसे में बच्चा शेयरिंग का महत्व समझेगा, साथ ही आगे भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित होता रहेगा। ये बचपन में डाली गई आदतें बड़े होकर बड़े सुंदर रिजल्ट देती हैं। बड़े होकर लड़कियां अपनी ससुराल में भावनात्मक प्यार, दया आदि दिखाएंगी तो उनके वृद्ध माता पिता काफ़ी खुश रहेंगे और अपना आशीर्वाद बरसाते रहेंगे। साझा करने से हम अपना कुछ त्याग देते हैं ताकि कोई इससे और लाभ उठा सके या आनंद ले सके। देखभाल करने का अर्थ है दया, करुणा प्रदर्शित करना और दूसरों की भावनाओं और ज़रूरतों के प्रति जागरूक होना। अगर हम बचपन में ही ये आदत डेवलप कर लेते हैं तो बड़े होकर भी इसका पालन करते रहेंगे। तब हम अपने बुजुर्गों की भी अच्छे से देखभाल करेंगे, जो कि आजकल हम देखते हैं कि बुजुर्गों की स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो चुकी है। एक देखभाल करने वाला व्यक्ति प्यार और स्नेह दिखाता है और अक्सर ये सुनिश्चित करने के लिए अपने रास्ते से भी हट जाता है कि दूसरे लोग खुश हैं। वे अपना समय, धन और ऊर्जा प्रदान करके ऐसा करते हैं। बदले में एक देखभाल करने वाला व्यक्ति आमतौर पर तब खुश होता है जब दूसरे भी खुश होते हैं। जितना अधिक वो दूसरों की परवाह करते हैं उतना अधिक खुश होते हैं। अब बात आती है कि सबसे अच्छी देखभाल करने वाला व्यक्ति कौन है। आंसर है एक माँ। चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, आपकी रक्षा अवश्य करेगी। तो तनिक सोचें, केयरिंग एंड शेयरिंग के जो फ़ायदे हैं वो आप लोग इसके बारे में विचार करें और अपने जीवन में इसको उतारें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।